नाजनीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नाजुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो ये चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है गाजर आलू मटर। और गाजर आलू मटर किस तरह तैयार होंगे, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। आज मैं पका रही हूँ गाजरें आलू मटर। अच्छा जी, ये मैंने मसाले डाल दिए, नमक मिर्च। पहले आप बता देना आपने प्याज ब्राउन की है। हाँ जी, हल्के से की है ना मैंने। नमक मिर्च छुपाना शुरू हो गया। हाँ जी, जरा सा पानी डाल, जरा अच्छी तरह भूल जाए, 5 मिनट ना मैं भून लेती हूँ। फिर मैंने गाजरें धो ली हैं, मैंने गाजरें धो के रखा, गाजरों को ना मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। थोड़ी सी गाजरें पक जाएंगी ना ये, तो फिर मैं ना मटर डालूंगी। मटर सख्त होते हैं ना थोड़े से, तो आलू उस पहले डालेंगे आप। हाँ जी, तो फिर ना मैं ना आलू भी डाल दूँगी। अब थोड़ा सा ना मैं ना पानी डालती हूँ, थोड़ी सी गाजरें 5 मिनट डाल दूँ, बस ज़्यादा पानी नहीं डाल। मतलब दम पे रख देंगे हम इन्हें पकने के लिए? नहीं, दरमियानी सी आंच पे ना ये गल जाएंगी ना गाजरें। हाँ हाँ। थोड़ी सी हो जाएंगी ना, फिर मैं मटर डालूंगी ना बेटा। अच्छा, मतलब दम पर नहीं रखना वैसे? नहीं, नहीं, कवर करके नहीं पकाना इसको, ऐसे ही है मतलब? नहीं नहीं, ढक के पकाऊंगी बेटा, ये ढक दी है ना। अब 5-10 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके बाद मटर डाल। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट हम लोग गाजरों को पकाते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, अब मैं ना इसमें ना मटर डालती हूँ आपके सामने। तो देखिए व्यूअर्स, जो से गाजरें वो नरम हो गई हैं और मतलब थोड़ी हम कुक हो चुकी हैं। उसके बाद मम्मा ने डाले हैं मटर। देखिए ना ये पक रही हैं, नरम हो रही हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सर्दियों में बहुत लोग पसंद करते हैं गाजरें मटर आलू। तो वो लोग जो गाजरें मटर आलू की रेसिपी बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें। हमारे ना मोहल्ले की बच्ची है, वो कहती है हम लोग ना हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर गाजरें मटर आलू खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। और एक मेरी मिलने वाली है, वो कहती है जब गाजरें मटर पकती हैं तो मैं ज़्यादा रोटी खाती हूँ। और मैं, मेरी बेटी नहीं खाएगी रोटी, मैं नहीं खाऊँगी रोटी। बाजार से कुछ मंगा लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती गाजरें ना। मैं गाजरें मैं भी नहीं खाती, इसके पापा के लिए मुझे पकानी पड़ती हैं। इसकी दादी बहुत शौक से खाती थी, वो तो गोश्त में पकवाती थी, तो अब मैंने इसके पापा के लिए पकवाई हैं उनकी फरमाइश पे। ज़ाहर है हमें भी थोड़ी बहुत खानी पड़ेगी, रोटी तो खानी पड़ेगा। हाँ जी, हाँ वो बनती तो अच्छी है, लेकिन मतलब अपनी अपनी पसंद होती है। मतलब कुछ लोग को नहीं, जैसे कि अभी मम्मा ने बताया कि वो कोई जाने वाली, वो कहते हैं मैं रोटी ज़्यादा खाती हूँ। मतलब अगर आपकी पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ, तो हर सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट जोन से चॉइस है और अपना अपना मूड है खाने। हमारे मियाँ जी को भी बहुत पसंद है ये गाजरें, और मेरी सास को भी बहुत पसंद है। वही सबके अपने मूड स्विंग्स है, तो सबको ये मैंने सिर्फ 10 मिनट और पकाना है इसे मटरों को, फिर मैंने आलू डाल देने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 10 मिनट पकाते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये मैंने आलू डाल दिए, अभी आलू भी डाल देंगे और सारे ये मटर भी, फिर ना भून लेंगे। मेथी में ना थोड़ी सी बाद में डालूँगी, सूखी मेथी है मेरे पास, दूसरी नहीं है। उसे मेथी से ना रस जाएगा ना, अच्छा सा बन जाएगा, भुजिया से ना अच्छी बन जाएगी। ये मैं मिक्स करती हूँ आलू को, ये देखिए मशा कितना प्यारा कलर आ गया। अब सिर्फ ना आलूओं का है, ये आलू गल जाए, गाजरें भी हो जाएंगी मटर भी। अच्छा जी, अब ना हल्की आँच पे ना हम रखें जी। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जो सी हमारी आज की रेसिपी है गाजर आलू मटर हो गया है बिल्कुल फाइनल। और लास्ट पे इसके ऊपर मैं ये जो सा है कसूरी मेथी ये डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल हो गई है तैयार। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
ये तो व्यूवर्स अब मैंने कर लिया इसको डिश आउट और ये है इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह मेथी डालने से इसकी खुशबू और जायका जो सा वो दुबाला हो गया है, आलू भी गल गए हैं, मटर भी, और ये जो सा है इसके साइड पर घी की जो सी है वो तह भी आ गई है। मतलब जो सा इसका पता चलता है इसकी वजह से कि जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल होगी और बहुत ही लजीज बनी है कि तरी इस चीज़ का सबूत होती है। अच्छा जी, तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त और उम्मीद करते हैं कि सर्दियों के मौसम में आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे और हम अपनी फीडबैक देंगे। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अब तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी रेसिपीज को आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।